वेलकम टू एच जे न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच जे न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच जे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुरभि। चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक और बड़ी खबर। जी हां, इस खबर में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ऐसी जानकारी जिससे हम धर्म से जुड़ा कह सकते हैं। अगर आप भी राम में विश्वास करते हैं, अगर आप भी माता में विश्वास करते हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी, जय श्री राम ज़रूर लिखें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आपको बताते हैं कि रामनवमी के राम, जी हाँ, रामनवमी के नौ राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, सबसे छोटा और सबसे प्यारा मंत्र, सबसे सटीक मंत्र। जी हाँ, भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर भगवान राम के नौ अलग अलग रूपों का ज्ञान आधारित विस्तार। जी हाँ, श्री रामचरित मानस में तुलसीदास ने विभिन्न प्रसंगों में इन्हीं सुंदर चौपाइयों का वर्णन किया है। आपको बताते हैं कि क्या है पूरी खबर। जी हाँ, चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी जो तिथि बैकुंठ स्वामी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु ने राम रूप लिया और अवतरित हुए, इनका नाम रखा गया राम। वाल्मीकि से लेकर तुलसी तक के विद्वानों ने हजारों तरह से राम की कथा को लिखा है। सार एक है, अर्थ एक है, कथा एक है, बस कहने का सबका तरीका अलग अलग है। तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस सबसे लोकप्रिय राम कथा है। राम के व्यक्तित्व के कई पहलू आपको रामचरितमानस में मिल जाएंगे। जी हाँ, इस कथा में गोस्वामी ने हर चीज़ पिरोई है। राम नाम की महिमा से लेकर पुत्र प्राप्ति, पति, पिता, मित्र, भाई, योद्धा, परमात्मा और राजा राम, राम के व्यक्तित्व के नौ आयाम दिखाए गए हैं। आयाम कई हैं, हरि अनंत कथा, हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन आज श्री राम के रामनवमी के अवसर पर हम आपको राम के नौ रूपों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन में प्रेरणा भर देंगे। अयोध्या और दशरथ का आंगन, अयोध्या की भूमि, दशरथ का आंगन जहां राम का जन्म हुआ, ये संकेत है कि अयोध्या का मूल अर्थ है अधन युद्ध, यानी वो स्थान जहाँ युद्ध ना होता हो, जहाँ शांति हो, शांति समर्पण हो। दशरथ का अर्थ है दस घोड़ों पर सवार। जी हाँ, दस घोड़ों का रथ सिर्फ धर्म का है, अध्यात्म का है, धर्म के दस अंग हैं। मनु ने धर्म के दस लक्षण कहे हैं। आपको बताएं कि धृतीय ने धैर्य, क्षमा, दम, संयम, अस्तित्व, चोरी ना करना, शौच, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना, घी यानी बुद्धि, विद्या, सत्य, आक्रोध, ये सभी दस धर्म के लक्षण हैं। जो इन दस घोड़ों पर सवार है वो दशरथ है। इसका सीधा अर्थ है कि जो अपने मन में भावनाओं का युद्ध ना करता हो, मन का स्वामी धर्म के दस लक्षणों से युक्त हो, वो राम उसके मन में जन्म ले लेंगे। राम होने का अर्थ क्या है? राम शब्द जितना छोटा है उसकी व्याख्या उतनी बड़ी है। पुराणों में कहते हैं कि रमन्ते सर्वत्र इति रामः, अर्थात जो सब जगह व्यक्त है, व्याप्त है, वो राम है। रमन्ते का अर्थ है राम, अर्थात सुंदर और दर्शनीय, वो राम है। मनोज्ञ को शब्द को राम से जोड़ा जाता है। मनोज्ञ का अर्थ है मन को जानने वाला। हिंदी व्याख्याकार राम का अर्थ बताते हैं जो आनंद देने वाला हो, संतुष्टि देने वाला हो। जी हाँ, आपको बताएं कि राम नाम की महिमा, चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशोका, वेद पुराण संत में मत एहू, सकल सुकृत राम सने हूँ। इसका अर्थ है कि चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में इस नाम को जाप करके जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण संतों का मत यही है कि तुलसीदास ने बालकांड में राम नाम की महिमा का बखान किया है। राम नाम ग्रंथों में सबसे छोटा और सटीक शब्द बताया गया है। जी हाँ, तो राम नाम से जुड़ी ये महिमा आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एच जे न्यूज़।